आना सागर में डूबकर फिर एक और मौत। युवक ने झील में कूदकर दी अपनी जान। शव को रखवाया गया है मॉर्चरी में। दिमागी हालत नहीं थी ठीक। ओम प्रकाश पुत्र अजीत अग्रवाल ने आनासागर झील में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि अजीत पिछले 10 साल से परेशान था। हालांकि परेशानी क्या थी वह पता नहीं चल सका। इसके बाद अजीत का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा। अजीत का 2 साल पहले तलाक भी हो चुका है। अजीत ने परिजनों को कहा कि वह किसी से मिलने जा रहा है। दूसरे दिन जब परिजनों ने अखबार में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि अजीत ने अपनी जान दे दी है। शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। सभी कार्रवाई होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अजीत जो है काफ़ी टाइम से 8-10 साल से डिप्रेशन में था, मानसिक परेशानी में था और ये इसका हॉस्पिटल में इलाज भी चला गया ना कि करीब 15-20 दिन पहले भर्ती होकर के वापस आया। और शादी भी हुई थी इसकी, फिर वो डाइवर्स हो गया था 2 साल पहले। और कभी काम पे जाता था, कभी नहीं जाता था। अकाउंट का काम, अकाउंट्स का काम करता था, कभी किसी फर्म पर करता, कभी किसी फर्म। इसका इलाज जो है लगातार जारी था। घर से काम के लिए बोल के निकला था कि मैं किसी मामा जी के पास मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है 4 बजे करीब घर से निकला। उसके बाद जो है आज सुबह जब अखबार में पढ़ा तब वो देखा सिनारत करी कि अजीत ही है। रात को काफ़ी लोगों से, रिश्तेदारों से फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारे पास आया घर पर आया, देखा आया, किसी को पता नहीं चला। उनकी शादी पहले कहाँ हुई थी वैसे? कि शादी दिल्ली हुई थी। क्या जब से डिप्रेशन में क्या है? उससे पहले से भी था, मगर उस दौरान थोड़ा सा ठीक हुआ था। घर वालों का भी ठीक हो रहा है, चलो शादी कर दें, शादी कर दी। अगर वो बाद में फिर उसकी पत्नी छोड़ के चली गई थी इसकी डिप्रेशन की वजह से। तो यह कैसे आपको लोगों को कैसे मालूम पड़ी भाई सब? अखबार में पढ़ा ना सुबह, उससे पता। ठीक है। वैसे काम क्या करते थे? अकाउंट्स का काम करते थे फर्मों पर, अलग अलग खुद कर काम करते थे। किसी का भी खाता भाई देख लिया जाकर के चले आए। ठीक है। और तो कोई नहीं? और कोई परेशानी? कहाँ के रहने वाले भाई सब? अजमेर के रहने वाले। पूरा नाम बताइए इनका, मृतक का। अजीत अग्रवाल। पिताजी का नाम? ओम प्रकाश अग्रवाल। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी भी खाते के अकाउंट्स का काम करते हैं प्राइवेट फर्म पर। ठीक है। आप क्या लगते हैं सर? मेरा वो कजिन साला का बच्चा। पूरा नाम आपका? पूरा नाम? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। ठीक है। MGS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विजय शिमाले ने किया कुलपति का पद ग्रहण। सभी ने माला पहनाकर दीप बताई। प्रोफेसर विजय शिमाले ने कहा, जिम्मेदारी से संभालूंगा अपना पद। MGS यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर विजय शिमाले ने कुलपति का पद ग्रहण किया। इस मौके पर सभी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई प्रेषित की। प्रोफेसर विजय शिमाले ने कहा कि मैं अपना पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभालूंगा, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करूंगा। वह परीक्षा के समय या परीक्षा परिणाम में कोई तरह की देरी न हो, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपना पद का प्रयोग करूंगा। जी सर। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति पद का पदभार ग्रहण किया है और इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी प्राध्यापकगण, स्टाफगण एवं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां पदार्थ करके और मेरा जो मनोबल बढ़ाया है। मेरा इस कालखंड में सबसे पहला जो प्रयास रहेगा कि वर्तमान में जो परीक्षाएं संपादित हुई है, ये परीक्षाएं संपादित होने के बाद में उनके परीक्षा परिणाम समय पर निकले, पुनर्मूल्यांकन करने वाले विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा परिणाम मिले और शिक्षा सत्र नियमित हो। इसी के साथ विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने की बारे में मेरा विशेष जोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मात्र 18 फैकल्टी है, जिसके कारण से विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिलने में एक प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है। मैं ये प्रयत्न करूँगा कि फैकल्टी का किस प्रकार से उन्नयन किया जा सके, ताकि विश्वविद्यालय जो बाकी सभी मामलों में बहुत दक्ष है, उसको विश्वविद्यालय में ए ग्रेड प्राप्त हो सके, ताकि रूसा के मापदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय को उचित पैसा मिले और यहाँ का विकास हो सके। और तीसरा, मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं, उनको इस महीने भर में स्टडी करके और इनके साथ में बैठ करके बातचीत करके और उसका हल निकालने का प्रयत्न करूँगा। और इसके साथ में
इस शहर के एवं इस संभाग में आने वाले जिलों के सप्रांत लोगों से मिलकर के बैठक कर करके और इस बात की पूछताछ की जाएगी कि वे किस प्रकार के कोर्सेज इस विश्वविद्यालय को चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र के विकास में वो सहायक हो सके और उन कोर्सेज के बारे में राज्य स्तर पर और UGC स्तर पर बातचीत करके और उनको प्रारंभ कराया जा सके ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। साथ में रोजगार परक जितने भी कोर्स विश्वविद्यालय के लिए लाए जा सकते हैं उनको लाने का प्रयत्न करूँगा और यदि राज्य सरकार पद देती है तो ठीक है, अन्यथा उनको सेल्फ फाइनेंस मोड पर भी चला करके और इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद। महाराज सदानंद ने सफाई कर्मचारी आयुक्त को दिया ज्ञापन, पूरे देश भर में कर रहे हैं भ्रमण, सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई में महाराज साथ। सफाई कर्मचारी आयुक्त दिल्ली के सदस्य महाराज सदानंद आज अजमेर पधारे, सभी मौजूद लोगों द्वारा महाराज का स्वागत किया गया। महाराज के साथ मौजूद सभी लोगों ने सफाई कर्मचारी आयुक्त को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई 182 कर्मचारियों की भर्ती की जल्दी घोषणा की जाए, साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र में सरलता लाई जाए, सातवें वेतन जो कि अभी तक नहीं मिला वह दिया जाए, ऐसे ज्ञापन में मांग रखकर सफाई कर्मचारी के हक की लड़ाई में ज्ञापन दिया गया। राजस्थान में सभी जगह सभी कर्मचारियों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, निर्देश दे रहा है और आज अजमेर में आया हूँ। आज भी मैं समस्याओं के बारे में अभी पुलिस नगर निगम में सभी यूनियन कर्मचारियों की समस्या सुनकर के मुख्य साहब के साथ मीटिंग में निर्देश दें। सर आपका परिचय? आपका परिचय सर? मेरा नाम स्वामी सदानंद महाराज, नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य। सदानंद जी महाराज सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार दिल्ली, तो सफाई कर्मचारियों की ज्वलनशील समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें ये मांग की गई है कि हाईकोर्ट द्वारा 182 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं, वो अविलंब नियुक्ति प्रदान की जाए। दूसरा, सफाई कर्मचारियों को जो नवीन नियुक्ति में अनुभव मांगा गया है उसमें सरलीकरण किया जाए और जो शिक्षित वर्ग है वाल्मीकि समाज के जिन्होंने कहीं काम ही नहीं किया है तो उनके लिए भी उसमें प्रावधान रखा जाए और अनुभव प्रमाण पत्र को या तो हटाया जाए या उसमें सरलीकरण किया जाए। दूसरा, सातवें वेतन आयोग का एरियल स्थायी सफाई कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया है, वो दिया जाना चाहिए। तीसरा है कि सफाई कर्मचारियों को जो ठेकेदार के द्वारा सफाई श्रमिक ठेके पर कार्यरत हैं उनको 26 दिन का भुगतान किया जा रहा है जबकि 30 दिन का भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाना चाहिए और जो कार्यरत ठेका श्रमिक हैं उनकी GPF राशि का अंशदान ठेकेदार द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है, न ही उनको सफाई साधन दिए जाते हैं। इन सारी समस्याओं के समाधान हेतु हमने सफाई कर्मचारी आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, साथ ही स्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय भूखंड और क्वार्टर बनवाकर 500 क्वार्टर बनाकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए, यह हमारी मांग। आपका नाम? रामस्वरूप पवार, संभागीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संभाग अजमेर। 5 मई से 15 मई तक आयोजित होगी सेना भर्ती के लिए रैली, कार्यशाला में सिली में आयोजित होगी रैली, 8 जिलों के कैंडिडेट आएंगे रैली में। सेना भर्ती के लिए अजमेर में 5 मई से 15 मई तक रैली आयोजित की जाएगी जो कार्य विश्राम स्थली में आयोजित होगी। प्रशासन द्वारा विश्राम स्थली पर सभी तरह की व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर गौरव गोयल ने बताया कि रैली में 8 जिलों के कैंडिडेट भाग ले सकेंगे और हर जिले की हर तहसील की एक सूची जारी होगी। कैंडिडेट को अपनी तहसील की दिनांक पर ही आना होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। अजमेर में सेना भर्ती आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए रैली 5 मई से 15 मई के मध्य आयोजित की जाएगी। इसका डिटेल प्रोग्राम प्रेस के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें 8 जिलों के कैंडिडेट्स भाग ले सकेंगे, हर जिले की और उसमें हर तहसील के जो कैंडिडेट आएंगे उसका एक टाइम टेबल है, जिस दिन उस तहसील का नंबर है उसी दिन उसके कैंडिडेट आएँ, अन्यथा उनको प्रविष्टि नहीं मिलेगी। ये रैली का आयोजन कायड़ विश्राम स्थली में किया जाएगा और कायड़ विश्राम स्थली के अंदर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिसमें PWD द्वारा, नगर निगम द्वारा, PSD द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य बिंदु यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं
वो जिस दिन उनकी तहसील का नंबर है उसी दिन आए और डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट जो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं उनके सहयोग से जिला प्रशासन आपस में मिलकर इसको कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जेएनएन अस्पताल का किया गया निरीक्षण, संभागायुक्त की अध्यक्षता में किया गया निरीक्षण, बैठक भी हुई आयोजित, कई तरह की सुविधाएं की जाएगी अस्पताल में। संभागायुक्त हनुमान साहिब मीणा की अध्यक्षता में आज जेएनएन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर गौरव गोयल भी मौजूद थे। वार्डों में सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके पश्चात एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल में सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि हर समय अस्पताल साफ रहे। साथ ही अस्पताल में कई तकनीकी मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज जेएलएन हॉस्पिटल का विजिट किया गया और साथ ही मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय संभागायुक्त जी की अध्यक्षता में और प्रिंसिपल साहब, सुपरिंटेंडेंट साहब, सभी कंसर्न डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित थे। और आज अस्पताल के प्रभावी संचालन और मरीजों की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें मुख्य रूप से अस्पताल में सफाई व्यवस्था, हाइजीन और हेल्थ को देखते हुए इम्प्रूव करने के लिए जो नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर क्लीन हॉस्पिटल्स, उसके तरफ आगे बढ़ते हुए वर्तमान में जो 70 सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 210 करने का निर्णय लिया गया। लगभग 3 गुना ये की जाएगी। इसी माह टेंडर जारी हो जाएंगे जिससे कि 24 घंटे अस्पताल में सफाई रख सके। इसके साथ लगभग 5 करोड़ रुपये के विभिन्न विभागों के डिपार्टमेंट्स के जो प्रपोजल्स थे अलग अलग इक्विपमेंट्स और फर्नीचर क्रय करने के, उनकी स्वीकृति दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो कैजुअल्टी वार्ड है जो नया रेनोवेट हो रहा है गेल के सहयोग से सीएसआर में, उस कैजुअल्टी वार्ड में एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनसे प्रभावित मरीजों के लिए। तो उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये के मॉडर्न इक्विपमेंट्स MRS सोसाइटी के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ ही डॉक्टर रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर टंडन द्वारा जो ब्रेकोथेरेपी सेंटर बनाया गया उसका भी विजिट किया गया। मशीन्स वगैरह सब ब्रेकोथेरेपी बन के तैयार है। सेंटर शीघ्र ही सेंटर क्रियान्वित हो उसके लिए जो परमिशंस आनी है उसके बारे में भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। छोटी सी उम्र में भाई बहन कर रहे हैं कमाल। बहन नैना जायसवाल 16 साल की उम्र में कर रही है PhD तो भाई 12 साल की उम्र में कर रहा है ग्रेजुएशन। दोनों भाई बहन लिखते हैं दोनों हाथों से। हैदराबाद का एक परिवार आज अजमेर आया जिसमें बेटी नैना जायसवाल और बेटा अगस्त जायसवाल के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बेटी नैना जायसवाल ने 16 साल की उम्र में PhD में दाखिला ले लिया है तो बेटा अगस्त जायसवाल 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रहा है। इतना ही नहीं, दोनों भाई बहन दोनों ही हाथों से लिखते हैं। साथ ही अगस्त 2 मिनट में 300 सवालों के जवाब दे देता है। नैना जायसवाल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखती है। आज जब नैना अपना टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेलने अजमेर आई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया इस बारे में बताया। फादर ने बताया कि बचपन से ही हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो आज तक जो भी हम लोगों ने हासिल किया ये सब ट्रेनिंग की वजह से ही है, क्योंकि मुझे और मेरे भाई को ऊंचाइयों पर देखकर हैरान होते हैं बहुत लोग, परंतु किसी ने मेरे माता पिता के परिश्रम को नहीं देखा, क्योंकि उनकी सुबह हम भाई बहन से शुरू होती है और रात हमसे ख़त्म होती है। तो ऐसे पुण्यात्मा के गर्भ जन्म लेना मैं अपना पुनर्जन्म सुकृत समझती हूँ, और छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम मैंने आसानी से किए तो इसका मूल कारण मेरे माता और पिता ही है, क्योंकि वो मुझे बचपन से बताते हैं कि नारी अबला नहीं आदि शक्ति है, और वो कहते थे कि तुम अपने आप को लड़की नहीं हमारा मतलब एक ज़िंदगी समझो बेटा, तुम हमारा गौरव हो और समाज का गौरव हो, ऐसा वो मुझे बार बार कहते थे, जिसका फलस्वरूप आज मैं आपके सामने एक यंगेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की तरह और एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर की तरह भी हूँ। तो सब बच्चे भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सब बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम लोग को बचपन से ही एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया गया, जिसके वजह से मैंने और अगस्त्य ने सब हासिल किया। नहीं, जैसे कि आपके फादर ने बताया कि आप गीता वगैरह जो कंठस्थ आपको ये सब मेमोरी ट्रेनिंग है, क्योंकि बचपन से हम लोग को मेमोरी ट्रेनिंग और हैंड राइटिंग स्किल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, तो मेमोरी स्किल्स जिसमें चेन मेथड ऑफ मेमोरी है, इसकी वजह से मतलब जब मैं 7 ईयर्स की थी तब मैंने रामायण पूरा कंठस्थ कर लिया था, और मान का जो होता है 108, और अगस्त्य भी 2 साल की उम्र में उसने 300 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, और वो भी सब मतलब जो 2 साल का था तब उसने हनुमान चालीसा पूरी वो बोल रहा था जी। मेरा नाम अगस्त्य जायसवाल है और जब मैं 2 साल का था तो मैं 300 प्रश्न की जवाब देता था, और जब मैं 6 साल का हुआ तो 3000 प्रश्न के जवाब देता था, और मैं टाइपिंग A to Z सिर्फ 1.7 सेकेंड्स में करता हूँ।
और मैं दोनों हाथों से भी लिखता हूँ और म्यूजिक प्ले करता हूँ और गाने भी गाता हूँ। और 8 साल की उम्र में मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी और 10 साल की उम्र में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और 11 साल की उम्र में मैं अभी रिसेंटली फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, अभी सेकेंड सेमेस्टर लिख रहा हूँ। तो आगे और नेक्स्ट टाइम में आप क्या बनना चाहेंगे? नेक्स्ट आगे मैं सिविल सर्विसेज पढ़ूंगा जी। बॉम्बे में क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट। कौन करे? कसाब। कसाब कहाँ से है? पाकिस्तान के इस्लाम में किसको शूट करे? भुट्टो। भुट्टो के बेटे का नाम समय पाटर इसको लाडन। लाडन क्या करा? टावर्स काम ब्लास्ट करा। अमेरिका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घानी। श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? सिरिमो बंडाई नायक। और पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? लिखत अली। दातुन के नाम क्या है? डिस्नी कौन लिखे? नेपोलियन। इफ असैसिनेटेड कौन लिखे? टेल्स ऑफ टू सिटीज कौन लिखे? आईने अकबरी कौन लिखे? पंचतंत्र कौन लिखे? विश्व शर्मा। नॉर्थ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? कहाँ का सीएम है? और साउथ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? वाइस राजशेखर। साथ में कौन कौन थे? वेस्टर्न असेंबली। क्यों हुआ? बारिश की वजह। और अभी ये बोलो कि रिसेंटली एंटी करप्शन के लिए कौन लड़ रहे थे? अन्ना हजारे। अभी ये अभी 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 ये बताओ कि जो सो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? श्रीलंका, चाइना, जापान, युगांडा, कजाकिस्तान, श्रीलंका। योर गुड नेम अगस्त्य जयसवाल। मौसम ने बदला रुख, धूप के साथ हवाएं आंधी तूफान भी। आनसागर झील में उड़ रही है लहरें। मौसम ने आज फिर रुख ले लिया, कभी तपती धूप तो कभी घनघोर घटाएं आसमान में छा जाती है। साथ ही आज आंधी तूफान तेज हवाएं भी शुरू हो चुकी है आनसागर झील की। जब लहरों ने उठना शुरू किया तो लोगों का जबावड़ा चौपाटी पर नजर आया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फायदा.com सच के साथ।